हेलो वेलकम स्टूडेंट रेडी वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर द नेशनलिस्ट मोमेंट सेकंड इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी रोल ऑफ ए कम्युनिस्ट पार्टी फर्स्ट I will explain Simon Commission. Simon Commission had 7 members and Simon was the leader of this commission. It was organized by British East India government. जो government थी England की government थी उसने Simon Commission बनाया था और इसमें 7 members थे. साइमन जो कि एक आदमी था वो इसका हेड था. दिस कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर सो इंडियंस गवर्नमेंट इंडियंस पब्लिक अपोज दिस कमीशन. इसमें एक भी भारतीय ना होने की वजह से इसका अपोज किया गया कि इसमें 7 मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर थे इसलिए इंडियन डिड नॉट लाइक देयर प्रपोजल. इनका प्रपोजल लाइक नहीं किया. साइमन कमीशन हमारे इंडिया में 3 फरवरी 1928 को इंडिया में ये लाहौर में पहुंचा था. जो कि एक पाकिस्तान में है ये लाहौर पाकिस्तान में. Indians public appalled and Lala Lajpat Rai was the head of this opposition party. यानी कि उसका जो oppose कर रहे थे उस opposition का जो leader था वो Lala Lajpat Rai. ये आए क्यों थे? Simon Commission क्यों बनाया था? इंडिया में क्यों आए थे? हमने पढ़ा था 1919 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट रिपोर्ट या रिफॉर्म के नाम से जानी जाती है. उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए इंडिया में आए कि उसमें क्या चेंजमेंट करना है आप फैसिलिटी उसमें क्या क्या देनी है. इन सभी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को लाहौर में कमीशन जब पहुंचा तो यहाँ पे इंडियन से उसका अपोज किया गया. साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, ब्लैक फ्लैग लहराए गए, काले झंडे दिखाए गए और प्ले कार्ड या फिर स्लोगन से उसका अपोज किया गया. उस टाइम उन्होंने क्या किया, वो जो साइमन कमीशन इंडिया में आएगा उस टाइम उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की अबोलिश डॉर्ची सिस्टम. जो डॉर्ची सिस्टम था यानी कि जो डबल गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट थी उस डुअल गवर्नमेंट में जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ रिजर्व टॉपिक दिए गए थे कुछ चेंजमेंट करने के लिए यानी कि टेम्परेरी रूप से ऐसे थे जो रिजर्व थे जिसके लिए इनकम आ रही थी वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी और जिसमें इनकम नहीं आ रही थी वो हमारे इंडियंस के पास थे. इस प्रकार से जो डोर्जी गवर्नमेंट थी उसके उसको अबोलिश करने के लिए वो इंडिया में आए थे. उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स जो साइमन कमीशन की लीडिंग में उसका सपोर्ट करने वाले थे. उस टाइम पुलिस ऑफिसर सैंडर्स था. इस सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाई और लाला लाजपत राय उसमें इंजरी हुए. कुछ समय के बाद में वो ज्यादा उसमें उसको चोट लगी थी उसके कुछ समय के बाद में उसकी डेथ हो गई थी. तो लाला लाजपत राय की डेथ का रीजन क्या था? सैंडर्स था. सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाई थी और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अपोज करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी कुर्बानी दी थी. इट्स ओके. उसके बाद में हमारे इंडियंस में इंडियंस लोगों ने उसी के अगेंस्ट में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो नेहरू. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अभी टाइम
नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट वॉज पब्लिश बाय मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रो. इन्होंने अपने एक प्रकाश रिपोर्ट प्रकाशित की थी. उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने उसने डोमिनेंस स्टेट की डिमांड की. डोमिनेंट स्टेट इट मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे रहे बट हमें हमारे अधिकार मिल जाए. इस प्रकार से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो डोमिनेंस स्टेट के नाम से जानी जाती है. इसमें इस मोतीलाल नेहरू तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट जब पब्लिश की थी तो उसके बाद में मुस्लिम लीग ने उससे रिपोर्ट का सपोर्ट नहीं किया, उसका रिजेक्शन किया. मुस्लिम लीग इसके साथ में नहीं थी. किसके? इस नेहरू रिपोर्ट के. कि हम इसका केवल और केवल ये था कि ये हिंदुओं के लिए रिलेटेड, यानी कि जो ये भी डिमांड कर रहे हैं वो सारे हिंदू कम्युनिटी के लेकर हैं. मुसलमान कम्युनिटी को अलग करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल्स की जो पॉलिसी लगाई थी, बांटो राजगुरु की जो पॉलिसी लगाई थी, इसको डिसनिटी में लाने के लिए, मुसलमान और हिंदुओं को सेपरेट करने के लिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, उसी पॉलिसी के तहत मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्शन दे दिया, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की सपोर्ट नहीं की. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा एक्टिविटीज. इसमें फर्स्ट एक्टिविटीज तो हमने देख ली थी, अभी सेकंड एक्टिविटीज में है ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सेकंड रिपोर्ट. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे इंडियन रिवोल्यूशनरीज ने पार्टी बनाई थी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाने जाती है. इसके जो लीडर थे, इसके जो मेंबर थे, जो इनको बनाने वाले थे, उसमें मेन जो आदमी था वो थे राम प्रसाद दे बिस्मिल्ला. राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, जोगेश चटर्जी और सच्चिदानंद राव. सच्चिदानंद संगल ये इसके मेन लीडर थे. इन्होंने इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को सर्वाइव करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट थी तो इन्होंने लूटना शुरू कर दिया. इन्होंने लखनऊ में जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी जगह का नाम है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर काकोरी कांड में इन्हें ट्रेन को लूटा 9 अगस्त 1925 चंद्रशेखर आजाद और दूसरे इसके अंदर रिवोल्यूशनरी काफी थे, उन्होंने उनको वहीं पे अरेस्ट किया गया और बाद में उसको पनिश किया गया, हैंग कर दिया गया. चंद्रशेखर आजाद उस टाइम बच गया था, बाद में शेखर को भी अरेस्ट जब किया गया तो उसने अपने आप को सूट कर लिया था. ये उनका था सिस्टम रिवोल्यूशनरीज का. उसी टाइम पे 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थ्रू द बम ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट में बम फेंका. उस टाइम पार्लियामेंट हमारे पास दिल्ली में थी, क्योंकि 1911 से पहले हमारी जो पार्लियामेंट थी वो कोलकाता में थी और 1911 के बाद दिल्ली को हमारी कैपिटल बना दिया गया था. इसलिए हमारी नेशनल असेंबली है, जो पार्लियामेंट है उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं या पार्लियामेंट कह सकते हैं, उसके ऊपर बम फेंका बट वहां पे कोई भी इंजरी नहीं हुआ.
इस बम का केवल और केवल एक ही टारगेट का टारगेट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दहशत फैलाना, उसमें उसको डर पैदा करना। बाद में इनको अरेस्ट किया गया और एक हैंग कर दिया गया। इसके बाद में आगे क्या होता है बेटा, जब ये बम फेंका गया था तो उन्होंने इन लोगों ने वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसको ज्यादा रेंज किया गया था, ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद यानी कि हमारा वतन है जिंदा रहे, इस प्रकार के अपने वतन को आजादी दिलवाने के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इट्स ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर ग्रोथ ऑफ ए सोशलिज्म। ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म कैसे आया, 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां का राजा जो जार निकोलस था उसके अगेंस्ट में लेनिन ने एक रिवॉल्यूशन किया था, जो हम 9th क्लास में स्टडी करेंगे। तो आफ्टर इंस्पिरेशंस दिस रिवॉल्यूशन इंडियन से स्टार्टेड न्यू रिवॉल्यूशन, दिस नेम वाज ए सोशलिज्म। यानी कि ये सोशलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म देखिए हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी होती है उस प्रोडक्टिविटी का जो इनकम आता है, लाइक हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है और इंडस्ट्रीज से प्रोडक्टिविटी होती है, इस इंडस्ट्रीज की ओनरशिप पे जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, ओनरशिप अगर गवर्नमेंट है यहाँ पे इस गवर्नमेंट की ओनरशिप में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो सभी लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें जो इनकम होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, और गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वो हमारे नेशन के ग्रोथ में इन्वॉल्व रहेगी। अगर ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अथॉरिटी में नहीं है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या पर्सनल प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप है इसके अंदर, तो इसकी जो ग्रोथ है वो केवल एक ही आदमी के पास जाएगी, इसलिए इसको हम सोशलिज्म नहीं कहेंगे। सोशलिज्म कहेंगे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें जो इनकम आती है वो इनकम गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, तो वहां पे हमारे पास, कहने का मतलब ये है कि वहां ऑनर और जो वर्कर्स होते हैं उसमें इक्वल अगर शेयरिंग हो जाती है इनकम की या फिर प्रोडक्टिविटी की, या ये कहें कि ग्रोथ की इक्वल शेयरिंग हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, सोशलिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे 1970 में वर्कर्स के साथ मिलकर के, क्योंकि वर्कर्स से वर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के, ये जो वर्कर थे उस वर्कर्स के साथ मिलकर के वो उनको अधिकार दिलाने के लिए लेनिन ने वहां एक रिवॉल्यूशन किया था जो 1917 में हुआ था। उसी रिवॉल्यूशन से, उसी से इंस्पिरेशन लेकर के वो हमारे इंडिया में सोशलिज्म कायम करने के लिए हमारे इंडियंस ने भी ऐसे ही एक एक पार्टी बनाई थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी ये 1925 में मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। इन्होंने एक एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का केवल और केवल एक ही टारगेट था और वो था इंडिया के अंदर सोशलिज्म लेके आना, यानी कि उनके एक्सप्लोटेशन से छुटकारा दिलाना। इट्स ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहां स्टडी करेंगे लाहौर सेशन का। लाहौर सेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड
was held in Lahore at 31st December 1929. Pandit Jawaharlal Nehru was the president of this session. लाहौर सेशन किसका? कांग्रेस का. देखिए लाहौर अभी हमने देखा था, ये लाहौर है, ये वही लाहौर जहाँ पे साइमन कमीशन आया था. इसी लाहौर में ये रावी जो यहाँ पे रिवर जा रही है, रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ लाहौर है. और यहाँ से मीटिंग बुलाई थी, सेशन बुलाया था कांग्रेस का 31st December 1929 को. इस सेशन के अंदर उन्होंने 11 डिमांड रखी थी, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू हमारे पास यंग लीडर थे और महात्मा गांधी के जो आइडियोलॉजी थे उससे काफी इंस्पायर्ड थे. जब ये यहाँ इंडिया में आए थे वहां से इंग्लैंड से स्टडी करने के बाद, तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था. इसमें 11 डिमांड रखी थी और उन्होंने डिमांड की थी कि ये डिमांड अगर उनकी नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले टाइम में थोड़े समय के बाद ही अगर डिमांड का अपोजिशन होता है तो हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. सिविल डिसओबीडेंट स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया. और उस टाइम पे इसके अंदर लाहौर सेशन के अंदर जब ये मीटिंग बुलाई थी, ये सेशन बुलाया था, उस टाइम हमारे पास से लॉर्ड इरविन हमारे इंडिया के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे. और लॉर्ड इरविन डिड नॉट सपोर्ट देयर डिमांड, किसी प्रकार से उसकी डिमांड उसके साथ में उन्होंने इसके सपोर्ट में नहीं की. उसके नेक्स्ट बाद में क्या होता है कि 31st December 1929 को ये सेशन बुलाया गया था, उसके जस्ट बाद उन्होंने बताया था कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो अभी कमिंग 26 जनवरी जो आएगी उस टाइम पे हम उसको इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे. और उससे सेलिब्रेशन को बाद में हमने सेलिब्रेट किया. 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते आए हैं. कब तक है? जब तक हमारा इंडिया फ्री नहीं होगा. अब ये 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमारे इंडिया के अंदर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जो हमने स्टडी पहले की थी, उसमें आज हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ओके, साइमन कमीशन के लिए आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी कर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे.